कृत्रिम निशानों का निशाना बन जाता है, या दे जाता है या ले जाता है। रामजादे बहुत गर्मी चढ़ गई है तुझे, अंधेरी रात में औरतों की इज्जत पे हाथ डालता है, हैं? बोल। नहीं साहब, नहीं साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, अपुन स्ट्रेट आदमी है। कुत्ते के बच्चे स्ट्रेट तो तुझे मैं बनाऊंगा, इतना मारूंगा साले, इतना मारूंगा कि ख्वाब में भी औरतों के सामने देखकर चिल्लाने लगेगा। क्या कर रहे हैं सर, प्लीज होल्ड योरसेल्फ। क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? इसे पांडू के हवाले कर दीजिए, वो अपने तरीके से पूछ लेगा। नहीं साहब, क्या हालत बना दी आप लोगों ने इस आदमी की, जिस्म की सारी हड्डियां तोड़कर रख दी है, बदन पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां डंडों के निशान ना हो। आप आदमी हैं या कसाई? डॉक्टर, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस एंड गेट आउट। मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा, आपको सस्पेंड करा दूंगा। ये इंसानियत का भाषण तुम मुझे इसलिए दे रहे हो कि वो लड़की जिसे इस आदमी ने रेप किया था वो तुम्हारी बेटी नहीं थी। अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सुनो। यस सर। इसे 3 नंबर हवालात में ले जाओ, और अगर ये मर जाए तो इसे पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक देना, और ये बात यहीं तक रहे। ओके आउट। पांडू। यस सर। इससे पूछना शुरू करो, और अगर नहीं पूछ सके तो मैं कमिश्नर साहब से कह दूंगा तुम ड्यूटी पर शराब पीकर आने लगे हो, समझे? यस सर। नहीं साहब, मुझे छोड़ कर मत जाओ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा साहब। कल उस औरत पे रात में हमला मैंने किया था साहब, इसके पहले भी मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैं आपको पैर पड़ता हूँ साहब। इंस्पेक्टर। यस सर। ले जाओ इसे। सर मुझे माफ कर दो साहब, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। माफ कर दो। थैंक यू। यू वेलकम सर। थैंक यू तिवारी। थैंक यू। आइंदा ओवर एक्टिंग जरा कम किया करो। जी सर। मिस्टर वर्मा, मैं जानता हूं कि आपको अपनी ईमानदारी की वजह से कई शहर और पुलिस स्टेशन बदलने पड़े, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस बार आपकी ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं। ये फाइल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें शहर के इज्जतदार और पैसे वालों के नाम है, जैसे बलराज खन्ना, मंदार भागवत, दुर्जन खत्री, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब यकीनन गैर कानूनी धंधा करते हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हमारे पास। आपको इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, मगर ख्याल रहे, ये लोग बहुत ताकतवर और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इनकी पहुंच हमसे भी ऊपर तक है, और इसीलिए जब तक इनके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत न मिले, तब तक इन पर हाथ मत डालिएगा। आप बेफिक्र रहिए सर, आई डू माई बेस्ट। एक बात और याद रखिएगा, इस फाइल का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल। राइट सर। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। सब ठीक तो है ना, या फिर यहाँ से और कहीं ट्रांसफर? नहीं नहीं, इस बार लगता है हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे। तो फिर ठीक है, तो फिर इस बार मैं अपना सामान पूरी तरह खोल सकती हूँ। बिल्कुल। पूजा करने जा रही थी? जा, तुम पूजा कर लो। कोई बात नहीं, पूजा मैं बाद में कर लूंगी। लाइए आप जूते उतारिए, मैं रख देती हूँ। अरे भाई ऐसा मत करो, जूते मैं खुद उतारूंगा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच में नहीं आना चाहता। आप मेरे और भगवान के बीच नहीं है, भगवान मेरे और आपके बीच है। और ये? सूरज का खत है, इतवार की सुबह आ रहा है।
सुनिए, ये जो सीट आपने पकड़ी थी ये इत्तेफाक से पकड़ी थी या ये सोचकर कि मैं आकर बैठ जाऊं और आपकी तो निकल पड़े? नहीं चल सकती, इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। रास्तों में खड्डे, फुटपाथ पर अड्डे, नेचर में पोल्यूशन, जगह जगह करप्शन, किसी भी प्रॉब्लम का कोई नहीं सोल्यूशन। इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि मुझे अपनी कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सुनिए, इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले 5 मिनट से आपका हाथ मेरे हाथ को टच कर रहा है। अगर ये इत्तेफाक तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट लाइक इट। मगर अगर ये जान के हो रहा है तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट माइंड इट। आप जितनी देर तक चाहें मेरे हाथ को टच कर सकती हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। व्हाट डू यू मीन? आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग तो आपको देखते ही खराब हो गया था। कभी कभी किसी को देखकर हो जाता है ना। नाउ शट अप एंड डोंट टॉक टू मी। वैसे आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ जी, मेरी अपने बारे में वही राय है जो दूसरों की मेरे बारे में है। मैं यंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ताकतवर हूँ, यूथफुल हूँ, जवान हूँ, समझदार हूँ। हाँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मेरी राय आपके बारे में यह है that you are mad, yes, and you should go to hell. Yes. thank you very much. Aur maine bola bhaiya ki don't get serious about me because I am not serious about you, and she said that I am serious about you. I said see listen, I don't like all this serious pana. Aur phir maine, wo kya karne lagi, wo rone lagi, aur jab wo rone lagi to main phir batata hu. Are you light kyun chali gayi? What happened? Light?
अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये बड़ी गंभीर उलझी समस्या है। मैं आपके बालों में बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मुझे इसमें से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आई ओनली रिक्वायर 30 घंटे। ओके, एक मिनट, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। घाई घाई में सब काम बिगड़ जाता है। एक मिनट, वन सेकेंड। वैसे ना नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अपने बालों में तेल लगाती हैं या गम? सुनिए, ये कंधा जिस पर आप रात भर टिकी रही, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा अपना खुद का पर्सनल कंधा है। इसका रात भर जो आपने फ्री फंड में इस्तेमाल किया, मैं कुछ बोला नहीं बोला, मैं हिला नहीं हिला, बिकॉज आई डोंट माइंड इट। लेकिन कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। बोलिए ना, कम ऑन से इट। थैंक यू। मेंशन नॉट। लव स्टोरी। मीरा, जिन दरख्तों के साये और फल हमें मिले हैं, वो भी तो किसी और ने लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए थे। बस ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क में हर एक आदमी को एक दरख्त लगाना चाहिए और एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए, वो भी मेरी तरह कमाल का। अरे सूरज, तू कब आया? बस अभी 1 साल पहले। तुमने देखा नहीं, मैं तो यहाँ 1 साल से खड़ा हूँ। बस आते ही शुरू हो गया। माँ, हेलो डैडी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अरे लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे गले लग सकते हो। हैं, ला दिए मुझे। माँ, अरे तू देखते देखते कितना बड़ा हो गया, चल अंदर चल, कुछ खा ले चल। अरे माँ, ये क्या किया? सारा फेस खराब कर दिया। ये फेस की तो वैल्यू है, बाकी है ही क्या। चल चल अंदर चल। सूरज की कॉलेज का क्या हुआ? हाँ, गया था कॕालेज, एडमिशन भी मिल गई है। कह रहा था 3-4 दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगी। उसको शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, पूछ लेना। हाँ, कह रहा था फीस, किताबें और कपड़ों के लिए 2000 रुपये चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं इतने पैसे दे सकती, 2000 कुछ ज्यादा ही लगते हैं। मीरा, जमाना बदल गया है, 2000 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि सूरज की पढ़ाई लिखाई रहन सहन में किसी किस्म की कमी रहे। लेकिन इतने पैसे इस वक्त है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, किसी से ले लेंगे और धीरे धीरे वापस कर देंगे। पाव दुख रहे, लाइए मैं दबा दे। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सूरज से कहता हूँ, वो दबा देगा। सूरज, सूरज। जी डैडी। बेटा जरा मेरे पैर दबा दे। एक मिनट में आ रहा डैडी। ये सूरज को क्या हो गया, अभी तक आया नहीं? मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूं। बेटा सूरज, बलराज साहब, गोल्ड कंट्रोल के जाने से और इंस्पेक्टर वर्मा के आने से हमारे धंधे में प्रॉफिट बहुत कम हो गया है और रिस्क बहुत बढ़ गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब हमारा ग्रुप हीरोइन, कोकेन और ब्राउन शुगर जैसे बिजनेस को हाथ में ले ले तो फायदा बहुत हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस ग्रुप के बनने से पहले हमारे कितने प्रॉब्लम्स थे, पुलिस रेड्स, गैंग वॉर्स, आपस के झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया और आप लोगों ने मुझे अपना चेयरमैन बनाया। मैं इस मामले में आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा। बलराज साहब, ये धंधा भी गैर कानूनी है, वो धंधा भी गैर कानूनी है, फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सोना, कपड़ा, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां, रेडियो ट्रांजिस्टर मुल्क के अंदर लाने से हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, मगर हमारे नौजवान बच्चों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मगर जिस दिन ये गलीज खतरनाक दवाएं हमारे मुल्क के अंदर आ गईं,
तो ये समझ लीजिए कि ये तबाही मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मेरे और आपके घर तक पहुंच जाएगी। मिस्टर खेतानी, अच्छी तरह सुन लीजिए और याद रखिए, आपको ये बिजनेस में हरगिज नहीं करने दूंगा। इसके अलावा और कुछ जेंटलमैन? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर वर्मा का क्या करना है। ट्रांसफर करवा दीजिए, पैसा ऑफर कीजिए, धमकी दीजिए, और अगर इन सब बातों से नहीं मानता तो फिर देखेंगे। अच्छा, आई टेक योर लीव। प्रकाश खेतानी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए। बोलिए, नंबर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे और करोड़ों रुपयों के बीच मिस्टर बलराज खन्ना खड़े हैं, मैं उन्हें हटाना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं? अगर आपने उसे हटा दिया तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपके खिलाफ। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटे। हेलो पापा। कैसी है हमारी बेटी, जरा हम अच्छी तरह से देख तो लें। आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट कंडीशन, इन वन पीस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ, सुबह तुम प्लेन से क्यों नहीं आई? हमने एयरपोर्ट गाड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। पापा सुबह 6 बजे का प्लेन था, मेरी आँख तो नहीं खुली, मैं तो सीधे बस पकड़ के आ गई। हेलो खान चाचा। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ चाचा। कैसा रहा तुम्हारा सफर? हाँ चाचा, सफर बहुत अच्छा गुजरा, इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हम सफर मिल गया था। ए बेटी। हाँ? हाँ? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं चाचा, यूं ही सफर के बारे में सोच रही थी। बेटी तुमने खाना तो नहीं खाया? नहीं पापा, आपके बगैर खा सकती हूँ क्या? तो फिर चलो, खाने के टेबल पर सारी बातें होंगी। चलिए आओ। आओ, चलो चलो। पापा मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, आप जाइए ना, आप जाइए। ओके, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका बटुआ। ओ ओके, ये लो। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, बट अरे ले लो, इट्स ऑलराइट सर। आप ओके सर? सुनिए। यस। ये आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? व्हाट डू यू मीन? देखिए, अगर एक बार मैंने आपसे अच्छी तरह शराफत से बात कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको चाहने लगा हूं, आप पर मरने लगा हूं। श्रीमती जी, मैं एक शरीफ, पढ़ा लिखा और प्लेजेंट लड़का हूं। हंसकर तमीज से अच्छी तरह बात करना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मैं हर खूबसूरत लड़की जो मुझे पसंद आती है उसे इसी तरह बात करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो सब के सब ये सोचे कि मैं उन पे मरता हूँ और मेरी बदनामी करना शुरू कर दें। आप सचमुच पागल हैं। जी हाँ, सच कहा, एकदम पागल हूँ। अगर पागल नहीं होता तो आप जैसी लड़की के पीछे अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करता, जबकि हर पेड़, हर मकान, हर छत के ऊपर लड़कियाँ उल्टी लटक कर मुझ पर जान देने की तैयार है। मेरी राय है कि आप अपना फैसला जल्दी कर लीजिए, वरना मैं आपके हाथ से यूं निकल जाऊंगा। हाँ, और मेरी राय है कि आप ही उन्हीं लड़कियों की तरह किसी इलेक्ट्रिक पोल पे उल्टे लटक जाइए। गो टू हेल।
सुनिए, मैं आपसे रियली बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो कुछ भी आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिल में तो वो ख्याल भी नहीं आया था जो आप समझ रही हैं। सुनिए, यकीन कीजिए मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सुनिए, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अब की बार आप मेरे पीछे आए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। नाउ गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। आई सेड गो। सुनिए, देखिए जी, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं एक अमन पसंद हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये किताब अगर आप इसलिए छोड़कर आई थी ताकि आपको मुझसे बात करने का एक और कीमती मौका मिले तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मगर अगर आप सचमुच छोड़कर आई थी तो फिर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। गुड बाय। क्या चाहिए जल्दी बोलो। अपने पास सांस लेने को फुर्सत नहीं है। अरे ये क्वालिटी आइसक्रीम का दुकान है, तुमको कौन सा आइसक्रीम चाहिए? टूटी फूटी, केसर पिस्ता, मैंगो, ऑरेंज बार, क्या चाहिए क्या चाहिए? हमने तुमको बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, जरा जोर से बोलो क्या मांगता है? बार बार इतना चिल्लाता खाई कुए क्या? हम बॉर्न बॉर्न, आई डोंट नो व्हेन यू वेर बॉर्न, टेक दिस मॉन बॉर्न। Thank you. उफ, क्या फेस है, वाह। खुद की तारीफ कर रहा है? नहीं माँ, मैं अपने फेस की थोड़ी, तुम्हारे फेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा, है हिंदुस्तान में किसी का ऐसा फेस? ए, सीधे बोल, क्या चाहिए? सिर्फ 50 रुपए। 25 में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी। अरे, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। अच्छा, स्केट्स कॉलेज क्यों जा रहे हैं? माँ, स्केट्स तो एक बहाना है। माँ, स्केट्स तो एक बहाना है जिससे उसके पास जाना है। हुँ।
सुनिए, क्या आप मेरे पे हंस रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही पर हंस रही हूँ। हंसने की वजह? आप स्केटिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं। शायद मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, मैं हर काम बड़ा कमाल का करता हूँ। यू सी आई एम अ वेरी टैलेंटेड मैन। मुझे कोई भी काम सीखने और परफेक्ट करने में सिर्फ सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो क्या आप स्केटिंग भी सिर्फ 3 मिनट में परफेक्टली कर सकते हैं? व्हाई नॉट, तो फिर करके दिखाइए। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? जरा करीब आइए, सबके सामने नहीं बता सकता। शट अप। ठीक है, फिर 3 मिनट के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? अरे किरण, जो भी शर्त है लगा ले। जिस तरह ये स्केट कर रहे थे, इन्हें 30 साल लगेंगे। ओके, शर्त मंजूर है। ओके, वॉच वॉच। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल रोड। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी जर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। जी।
कभी पेरी रोड, कभी पाली रोड, कभी मीरा रोड, घोड़बंदर रोड। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया है। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। ए, जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। मत पूछो अब तुम कहाँ, पर कहाँ। लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, डंकन रोड, लैमिंगटन रोड, कैडल रोड, कभी पेडर रोड, चरनी रोड, कभी अर्थर रोड, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। जो कर्ज मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, आप उसे रिश्वत में बदल देना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आदमी आदमी के काम आता है ना। चाय का कप नीचे रखो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अब सुनिए, मैं कहता हूँ कप नीचे रखो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल लिया जाए। तुम्हारे 2000 रुपए तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। आज खाना बहुत सादा बनाया है। रोज की तरह सादा खाना पेट के लिए और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। डैडी, मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी कर लूँ तो। इसलिए कि मेरी नौकरी में पूरा नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये बात नहीं डैडी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सारा वक्त बेकार गुजर जाता है। अगर मैं इसी वक्त में कुछ काम ही कर लूँ तो। बेटे, ये उम्र पढ़ाई के बाद खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं जानता हूँ अपनी छोटी सी तनख्वाह में मैं जो कुछ चाहता हूँ तुम लोगों को दे नहीं पाता, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं भी अगर दूसरों की तरह सच्चाई और ईमानदारी से मुंह मोड़ लूं तो शायद इस घर में कभी कोई कमी ना रहे। मगर मैं अपनी और तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगा। बेटे, आदमी पहाड़ से गिरकर तो उठ सकता है, मगर अपनी नजरों से गिरकर नहीं। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं, इस झूठी बेईमानी की अंधेरी दुनिया में क्या इस बात की कोई इज्जत करता है? क्या इस बात की कोई कदर करता है? बेटे, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ पर जला दो तो रोशनी तो बहुत कम दूर तक करता है, मगर दिखता बहुत दूर से है। गौर से सुनो, बलराज और करीम खान दोनों को खत्म करना है। इस बार अगर चूक गए या गलती की तो मुझसे पहले इसकी सजा वो लोग तुम्हें देंगे। डोंट वरी सर, इट विल बी डन। आप उनकी अर्थी के लिए फूल ऑर्डर कर दीजिए।
नाले में गाड़ी लेकर आता। मेरा नाम इंस्पेक्टर वर्मा है, विजय वर्मा। आई एम सॉरी। नहीं, फिर किसी दिन। अब आपकी मेरी मुलाकात तो होती रहेगी। कहिए क्या कर सकता हूँ जी? आप पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई, हमला किया, उन्हें आप जानते हैं? जी नहीं, ना मैं उन्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ। तो फिर हो सकता है ये काम उन लोगों ने किसी के कहने पर किया हो जिससे आपकी दुश्मनी हो। मेरा कोई भी दुश्मन इस दुनिया में नहीं है। आप क्या समझते हैं इस हमले की वजह क्या हो सकती है? मैं समझता हूं किसी को धोखा हुआ है। इस किस्म के धोखे आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? इस किस्म के धोखे उनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। आइए आइए मिस्टर वर्मा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या लेंगे, कॉफी या चाय? जी नहीं, कुछ नहीं। लाइट? नो थैंक यू, मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। वैसे पुलिस की छोटी सी तनख्वाह में या तो मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ या अपने जवान बेटे के। मैं अपने शौक पूरे कर चुका हूँ। फरमाइए कैसे आना हुआ? कल रात दो आदमियों का खून हो गया है। बहरहाल ये खबर तो आपको मिल गई होगी, लेकिन मैं आपको एक दूसरी खबर सुनाने आया हूं। जब उन दोनों आदमियों के घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से वो बंदूक निकली जिससे आप पर गोली चलाई गई थी। इन दोनों हादसों का कनेक्शन तो अभी तक मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। उस दिन मैं यहां फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन वारंट लेकर। अच्छा, मैं चल रहा हूं। सुनिए, जिस दिन आपको वो कनेक्शन मिल जाए उस दिन कोर्ट जाने से पहले मेरे पास आ जाइएगा। और आपने जो बड़ी से बड़ी रकम कभी सोची हो मगर देखी ना हो मुझसे ले जाइएगा। आप अपने और अपने बेटे के सारे शौक जिंदगी भर पूरे कर सकते हैं। बलराज साहब, मेरा अब सिगरेट पीने का इरादा बिल्कुल नहीं है।
जाके सबसे छुपा के ले जाऊंगा मैं अपना बना के दिन दिनक दिन्ना दिन दिनक दिन्ना दिन दिनक दिन दिनक दिन्ना दिन दिनक दिन्ना बरखा भर से ये दिल जैसे आ जाना आ जाना आ जाना अरे बरखा भर से ये दिल जैसे आ जाना आ जाना आ जाना इंस्पेक्टर साहब आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन है? मिस्टर वासवानी जो हांगकांग में बलराज खन्ना का काम और अकाउंट सीखता है इस वक्त बंबई में, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं, आज या कल चुपचाप निकल जाएगा। ये उसकी तस्वीर है और ये उसकी कार का नंबर। ये खतरनाक काम क्या तुम पैसों के लिए करते हो? जी हाँ, सिर्फ पैसों के लिए, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आलिंग
तू मुझे एक बात बताएगा, तेरी वाइफ देखने में कैसी है? मेरी वाइफ? हाँ। तुमने कभी श्री देवी को देखा है? हाँ। कैसी लगती है? बहुत सुंदर। बस मेरी वाइफ श्री देवी की तरह बिल्कुल नहीं है। तू कैसी है? तुमने कभी किसी हेल्दी भैंस को देखा है? हाँ, बहुत बार। बस मेरी वाइफ कुछ कुछ हेल्दी भैंस की तरह लगती है। हाँ? तो तुमने उसे अंधेरे में देखा? शादी में लाइट ऑफ हो गई? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं लाइट ऑफ थोड़ी हो गई थी। जब मेरे मदर इन लॉ ने मेरे वाइफ का शादी का इश्तिहार दिया था अखबार में, तब उसने कंडीशन रखा था कि लड़का ऐनक नहीं पहने। तो जब मैं वहां गया था, मैंने अपना चश्मा निकाल दिया। बाद में जब मैंने अपना चश्मा ऊपर रखा, Anyhow, let us forget my bloody wife and have some champagne. Wonderful champagne. दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! Who's it? पुलिस! पुलिस! मिस्टर वासवानी, दरवाजा खोलो! यहाँ कोई मिस्टर वासवानी नहीं है, मेरा नाम नरेंद्र हिरवानी है। हिरवानी! अरे डार्लिंग, पुलिस है। तुम ये काम करो, तुम टाइम शैंपेन ले लो और तुम डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मैं यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ये होल्ड कर, दो मिनट के बाद दरवाजा खोलो। ये मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये पाइप से नीचे उतरने का मतलब? पाइप से? यू सी, आई एम अ हार्ट पेशेंट। मेरा हार्ट बहुत कमजोर है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने और उतरने से मना किया है। इसीलिए मैं पाइप का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। यू सी, तुम्हें उस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर याद है? हाँ हाँ हाँ, याद है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर तुमने उसका ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें उस डॉक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी। यू सी, चलो। बलराज साहब, मैं आपको बताने आया हूँ कि वासवानी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया, मगर बताएगा। मुझे इस डिपार्टमेंट में 20 बरस हो गए हैं, और इन 20 बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मुजरिम से कुछ जानना चाहा हो और उसने मुझे नहीं बताया। मैं भी आपको एक बात बता दूं, ये खेल अब ज्यादा देर शराफत के दायरे में नहीं खेला जा सकता। हम दोनों इतनी तंग जगह आकर खड़े हो गए हैं कि अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो हम दोनों का दम घुट जाएगा। अगर आपने मुझे धक्का दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने आपको धक्का दिया तो आप मर जाएंगे। मेरा धक्का पहले लग सकता है, इस बात से डरिए। जो लोग अपने असूलों से बंधे होते हैं वो इन धक्कों से नहीं डरते। दुनिया में कोई भी उसूल इतना मजबूत नहीं होता वर्मा साहब, जिसे परेशानी, तकलीफ और भूख तोड़ नहीं सकती। इंसान की मजबूरी उसूलों की जंजीरों को कच्चे धागों की तरह तोड़ देती है। ये मेरा जाती तजुर्बा है। जो कच्चे धागों की तरह टूट जाए वो असूल नहीं, कमजोर इरादे होते हैं। ये मेरा जाती तजुर्बा है। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि थैंक यू और सॉरी से बड़े शब्द दुनिया में नहीं है। अगर इन दो लफ्जों का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सुनो, एक बात बताओ, क्या हमेशा तुम्हारे डैडी ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाए, आज मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। क्यों? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लड़की इस बंदर को कहाँ से मिली? पेड़ पे लटकी हुई थी, तोड़ लाया हूँ। चुप, अब जा और डैडी को ले आ। लो आ गए, अब आप लोग बैठकर बातें करो, मैं कपड़े बदल के आया। ये किरण है और ये है सूरज के डैडी। बैठो बैठ। अरे भाई, तुमने इनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछा नहीं? नहीं नहीं, आज ये लोग बहुत जल्दी में हैं। इनके घर पार्टी है। ओ। इनके पापा का जन्मदिन है। अरे भाई, तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद देना। जी जरूर। क्या करते हैं आपके पापा? जी, उनका बिजनेस है। क्या नाम है उनका? बलराज खन्ना। आप
बलराज खन्ना की बेटी है? जी हाँ, क्या आप उनको जानते हैं? इस शहर के बहुत बड़े और मशहूर आदमी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। सुनो जी, इन लोगों से तुम दूरी रहो तो अच्छा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मगर वजह? वजह ना मैं बता सकता हूँ ना बताना जरूरी समझता हूँ। जो तुमसे कहा गया वो करो। हेलो सर। अरे भाई यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये पार्टी तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। आओ अंदर एंजॉय करो। सर मैं वहाँ पे जरा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एक तो मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर मुझ में और उनमें बहुत फर्क है सर। मेरा मतलब है वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करते हैं, इसलिए मैं चला आया। मैं बड़ी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लगता था तुम्हें कहीं देखा है, अब याद आया। जानते हो इन बड़े लोगों में और तुम में क्या फर्क है? इन्हें जिंदगी में कहीं ना कहीं एक भरा हुआ बटुआ पड़ा मिला था जो इन्होंने वापस नहीं किया। कम लेट्स गो। हिस्सा मैं हूँ तू है मेरी जान, भाई भाई जान भाई।
जाओ सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। डैडी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल सुबह भी कर सकते हो? शायद कल सुबह नहीं कह पाऊंगा। तुमने शराब पी? मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत दिनों से मेरे दिल में है। डैडी, I love you, I respect you। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपके उसूलों से सहमत नहीं हूँ। I don't agree। वो उसूल जो इंसान को आगे नहीं पीछे धकेल दे, उनकी क्या अहमियत? आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। I love you, I respect you। डैडी, इस दुनिया में दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा। Should I tell you one thing? जिसे आप रिश्वत कहते हैं ना, उसे दुनिया लेन देन कहती है। लेन देन, give and take। डैडी, आप अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, आप ही को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप भी तकलीफ में रहेंगे और हम सब भी। आप देखते हैं मैं इस बीमारी में कितना काम करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी तनख्वाह में हम नौकर नहीं रख सकते। मेरी पढ़ाई, मेरी किताबों के लिए आपको पैसे उधार लेना पड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, ये सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से फायदा होना चाहिए या नुकसान? डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डैडी बताइए, क्या दिया है आपको उसूलों ने, क्या मिला है आपको इस जिंदगी से? डैडी, आप खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया की नजरों में आप एक अनसक्सेसफुल आदमी हैं, एक नाकामयाब आदमी है। चुप रहे, शर्म नहीं आती तुझे बकवास करते हुए? जलील एहसान फरामोश, एक लफ्ज भी मुंह से निकल रहा तो जबान खींच। ठहरो मीरा, इसे कहना है तो जो कुछ कहना है। मैं पूछती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, जबान दर्राजे करता है। मीरा सुनो, तू शराब पी कर आया है? मीरा, मीरा मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ जा, निकल जा मेरे घर से। क्या मैं अपने डैडी से बात नहीं कर सकता? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? बहुत समझदार हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, हमें सिखा रहा है हक और अधिकार क्या होता है। सुनना चाहता है तू, जानना चाहता है तू, तो सुन, तेरा इस घर पे कोई हक नहीं है, इस घर का तो तुझ पे सिर्फ एक उपकार है, और वो कैसे आज सुन? मीरा, मीरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत कहना, जा यहाँ से, जा। और कुछ कहना है? बेटे, तुम पिछले 5 मिनटों से मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या कमाया, और पिछले 5 मिनटों से उसके साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो, बस यही मेरी कमाई है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये प्यार, ये इज्जत दें, समझ लेना तुम्हें दुनिया तो क्या, सारी कायनात मिल गई। सूरज, 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 माँ, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको डैडी को भी बहुत दुख होगा, मगर मेरे जाने से इस घर का कुछ बोझ कम हो जाएगा। मैं यहाँ से जाने के बाद हालात से और दुनिया से अकेला लड़ना चाहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़ा आदमी और बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आज आप प्यार से कहते हैं कि सूरज हमारा बेटा है, मैं चाहूँगा कि यही बात एक दिन फकर के साथ कह सके। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है और आज फिर दुख दे के जा रहा हूँ,
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका प्यारा बेटा सूरज। मीरा क्या हुआ, क्या बात है? मीरा अब वो बड़ा हो गया है, समझदार, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, हम कर भी कह सकते हैं। ये मैं कुछ उसके लिए लाया था, कभी आए तो उसे दे देना। Yes, the number is right. लेकिन मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि ये जूते की जगह नहीं है, ये जूते खाने की जगह है। Idiot. ये बहुत मारता है। सर, सर मैं एक फोन कर सकता हूँ? ये कोई पब्लिक टेलीफोन नहीं है, समझे? बहुत मारता है। सर, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी का मिल सकता है? पानी तो तुम्हें मिलेगा, ठंडा नहीं गरम, पीने के लिए नहीं सेकने के लिए। अगर तुमने मुझे बलराज साहब के बारे में सब कुछ नहीं बताया सबूत के साथ। सर मुझे बलराज साहब के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। लगता है तुम मुझे भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ, बहुत मारता है। सर मैं इसे ले जाऊं? नहीं इसे नहीं, इसे लेकर जाओ। और सुनो, शराब पीकर बिल्कुल हाथ मत लगाना, पिछले टाइम शराब के चक्कर में तुमसे एक आदमी मर गया था। चल बे! मैं तुम्हें फिर पूछता हूं मिस्टर वासवानी, बलराज साहब के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बाकायदा सबूत के साथ। इसे उस कमरे में ले जाओ। हाय हाय, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, दैट्स एनफ। आप कुछ ओवर कर देते हैं। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कुछ ठीक कर दूंगा। टेक केयर। एक्सक्यूज मी वर्मा साहब, एक मिनट। मेरा नाम दुर्जन है, मुझे बलराज साहब ने भेजा है। फरमाइए, मैं जरा जल्दी में। मैं भी जल्दी में हूँ, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आप इस केस से हट जाइए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। वरना? वरना हम लोग आपको हटा देंगे। धमकी और रिश्वत देने के इल्जाम में मैं आपको बंद कर सकता हूँ, मगर आप 2 दिन में जमानत देकर छूट जाएंगे। और मैं आप लोगों को 20 बरस के लिए भेजना चाहता हूँ, इसलिए 1-2 दिन और रुकूंगा। माँ, मत छू मुझे। क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? जानता नहीं, तेरे घर छोड़कर चले जाने से तेरे डैडी को कितनी तकलीफ हुई है।
क्या उन्होंने तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस दिन के लिए बड़ा किया कि तू उनके प्यार का उनके एहसानों का बदला इस तरह चुका है? अरे माँ, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है तो कौन सा एहसान किया है, कौन सा कमाल किया है? क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता? मैं पूछता हूँ, जब उन्होंने मुझे पैदा किया है तो क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता? इसमें एहसान किस बात का? नहीं, फर्ज नहीं बनता इसलिए कि उन्होंने तुझे पैदा नहीं किया है, तू उनका बेटा नहीं है। और आज इस बात को तू अच्छी तरह जान ले और सुन ले, तेरे पिता यानी मेरे पहले पति भी पुलिस में थे और इनके साथ काम करते थे। एक दिन दिन सिंह गुप्ती है, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो, तेरे पिता का सहारा तो चला ही गया था और फिर पुलिस क्वार्टर छोड़ने के बाद घर भी नहीं रहा। उस वक्त मुझ बेघर और बेसहारा को इन्होंने सहारा दिया और मुझे अपने घर इज्जत और आदर से रखा। मगर जब समाज ने सीता जैसी देवी को नहीं छोड़ा तो मैं तो एक अदना मामूली सी औरत थी। लोगों ने इस रिश्ते को गंदे और घिनौने नजरों से देखना शुरू कर दिया, तरह तरह के तोहमत और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और फिर एक दिन उनके बर्दाश्त के हद खत्म हो गए। बेटे, ये दुनिया रिश्तों के नाम मांगती है। इन्होंने भगवान को साक्षी रखकर मेरे रिश्ते को पति का और तेरे रिश्ते को एक बाप का नाम दिया। अब तू ही बोल, ये एक एहसान, एक उपकार है या नहीं? हाँ, मैं आज तक डैडी को एक बहुत बड़ा महान इंसान समझता था, मगर गलत समझता था। वो इंसान नहीं, देवता है। माँ, तू घर जा, मैं शाम को आता हूं। माँ, तुम्हें यकीन है वो तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ जाएगा? 100%। एक बार मैं उसे खबर दे चुका हूँ, उसे मुझ पर पूरा यकीन है। अगर आज मेरा पत्ता सही पड़ गया तो मिस्टर बलराज खन्ना इंस्पेक्टर वर्मा को उड़ाने के जुर्म में मेरा बराबर का पार्टनर हो जाएगा। यस बलराज साहब, बहुत गड़बड़ हो गई। वासवानी ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया है। कल सुबह होने तक हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे और हमारे सारे गोदामों पर ताला लग जाएगा। इंस्पेक्टर वर्मा के पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं जिनकी बिना पर कल सुबह कोर्ट खुलते ही वो वारंट ले लेगा। इस मामले में आपने कुछ ज्यादा ही देर कर दी।
पर बहुत कम। बोलिए क्या करूं? दुर्जन, तुम जो ठीक समझो करो। बलराज साहब, आप हमारे लीडर हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, हटा दो उसे हमारे रास्ते से। चले। पापा, पापा सूरज आया है आपसे मिलने। आओ आओ। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। आओ बैठो। वैसे तो मैं सूरज को पहले से जानता था, मगर यह नहीं मालूम था कि यह वही नौजवान है जिसे हमारी बेटी ने लाखों में पसंद किया है। सर, मुझे देखकर तो आपको यकीन आ गया होगा कि लव इज रियली ब्लाइंड। नहीं, मुझे यकीन आ गया कि लव इज नॉट ब्लाइंड। थैंक यू सर। मैं अपनी बेटी की पसंद की दाद देता हूं। सच पूछो तो आजकल के नौजवानों में वो वैल्यूज या कैरेक्टर रहा ही नहीं, और इसके लिए काफी हद तक माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। यस सर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम में जो खूबियां हैं, वैल्यूज हैं, वो तुमने अपने माँ बाप से पाई हैं। यस सर। हाँ पापा, सूरज की मम्मी डैडी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। बेटा, उन्हें कभी यहाँ भी बुलाओ, हमसे भी मिलवाओ। जरूर सर। अब तो हमारा उनसे मिलना जुलना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं तुम्हारे डैडी? सर, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। पुलिस डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? क्या नाम है? सर, वो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर विजय वर्मा। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। ओके सर, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। पापा, मैं सूरज को छोड़ के आती हूँ। हेलो। हेलो, मैं बलराज बोल रहा हूँ, दुर्जन को फोन देना। सर, वो अभी अभी निकल गए, शायद नीचे ही होंगे। जाओ जल्दी से जाकर उन्हें रोको और कहो कि मैंने अभी अभी विजय वर्मा के बारे में जो कहा था उस मामले में कोई कदम ना उठाएं। ठीक है सर, आप होल्ड करिए, मैं देखता हूँ। उससे कह दो दुर्जन साहब निकल गए हैं। सर, वो जा चुके। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर वर्मा हैं? सर, वो अभी अभी निकल गए। करीम खान, जल्दी से दुर्जन का पता लगाओ और उसे इंस्पेक्टर वर्मा के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से रोको। जाओ जल्दी जाओ। ए खंजीर का बच्चा, बोल दुर्जन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, बोलता है कि छोड़ू? छोड़ू बोलता हूँ।
क्या हुआ? मैं सारी कोशिश करने के बाद पता लगाकर वहां तक पहुंच गया, मगर बदनसीबी से देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर वर्मा को गोली लग चुकी थी। मैं उसे सीरियस हालत में अस्पताल छोड़ाया है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे वो बच्चा है, वरना वरना क्या? वरना हम सब मारे जाएंगे। आप लोगों को उसके जिंदा रहने से डर था, मुझे उसकी मौत से डर लग रहा है। क्या कर सकते थे? जो होना था हो गया, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते थे? कितना समझाया, कितना रोका, लालच दिया, धमकी दी, मगर वो आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या करते? खुद मर जाते, बर्बाद तबाह हो जाते, अपने आप को उसके हवाले करके जेल जाते। ये इतने सालों से कमाई हुई इज्जत और दौलत इसको मिट्टी में मिला देते। दुनिया के सामने स्मगलर और क्रिमिनल बनकर जलील होते। हमारी अपनी बेटी जिसके लिए हमने सब किया है, उसके सामने हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। उसे दुनिया में अकेला छोड़ देते ये सुनने के लिए कि वो एक एक स्मगलर, एक क्रिमिनल की बेटी है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। नहीं नहीं बेटा, आपने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे हमेशा अपना हक और आपका फर्ज समझता था। बेटे ये तू क्या कह रहा है? मेरा बेटा है, मेरा, मैं तुझसे प्यार करता हूं बेटा। मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं आपको समझ नहीं सका, मुझे माफ कर दीजिए। सूरज कितने दिन हो गए हम लोग गले नहीं मिले, आ बेटा आ मेरे पास, आज आ मेरे पास आ। डैडी आई लव यू डैडी। बेटा अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। यस यस डैडी। ऐसा मत कीजिए डैडी, डैडी हमें छोड़ के मत जाइए।
माँ। अरे तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ओ तू ही साफ कर ले, मेरे हाथ खराब है। तेरे डैडी देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ अब डैडी कभी कुछ नहीं बोलेंगे। माँ डैडी कभी नहीं आएंगे। डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। माँ नहीं, माँ नहीं, नहीं माँ नहीं, माँ नहीं, नहीं नहीं, माँ माँ नहीं, माँ माँ नहीं, माँ नहीं, माँ 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ। ये ले, तेरे डैडी तेरे लिए छोड़ गए हैं। जब तू इस घर से चला गया था तब मुझसे कहा था कि जब वो वापस आए तो उसे दे देना। Thank you.
दर्द को अपने यूं ना छुपाओ, गैर नहीं में मुझको बताओ, मिलकर खुशियां जब बांटी है दुख बगैर मंजिल के चलते चलते थक गया हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। आ मेरे साथ, मैं बताती हूं। ये देख, तेरे डैडी की यूनिफॉर्म, कभी इस पर पैबंद लगा, कभी उनका पसीना, कभी उनका खून, लेकिन बेईमानी और बदनामी का एक दाग भी इस पर नहीं है। सूरज, एक दिन तू इसे पहन लेना और इस पर कभी दाग नहीं लगने देना। तो मां, तू मुझे आज ही आशीर्वाद दे दे। तो नौकरी मिल सकती है, पुलिस की ही नौकरी क्यों? मुझे अपने डैडी का अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करना है, उनके कातिलों को कानून के हाथों सजा दिलाना है। मगर तुम जानते हो वो लोग कितने खतरनाक हैं, और फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना।
चलिए ना पापा। सूरज कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा है। बेटा मुझे भी बहुत काम है, मैं फिर मिल लूंगा कभी उससे। चलिए ना पापा प्लीज, सिर्फ दो मिनट के लिए, नहीं तो वो समझेगा आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब पापा, वो सिर्फ आपसे मिलने आया है, चलिए ना। अच्छा चलो। सर सर, मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आया हूँ और कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। अब माँ के अलावा इस दुनिया में एक आप ही तो मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर कि मैं अपने डैडी का अधूरा काम पूरा कर सकूं और उन सारे लोगों को कानून के हाथों सजा दिलवाऊं जिनकी वजह से आज मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं है। बेटे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं या इस खतरनाक खेल में दाखिल होने से रोकूं। सर, इस खतरनाक खेल में तो मैं दाखिल हो चुका हूं, अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए इसमें से कामयाब बाहर आने के लिए। बेटे, तुम मुझे एक अजीब इम्तिहान में, मैं आपका आशीर्वाद लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें हर खतरे से बचाए और तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब बनाए। थैंक यू सर। सूरज, ऑल द बेस्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। मुझे वही पोस्टिंग और केसेस चाहिए जो आपने मेरे डैडी को दी थे। नो नो, आई एम सॉरी माय सन, वो केसेस मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूँ। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा यह हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं और यह फाइल तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, मंदार भागवत, अर्जुन राम नानी, प्रकाश खेतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक है, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती पापा पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर शट अप सूरज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। यार मेरी बात सुनो। टच मी, मत छुआ मुझे। किरण, डोंट टच मी सूरज, लीव मी अलोन। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? पापा, आज मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है जिसका मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर न जाने क्यों एक शक सा हो गया है। बेटा, दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, मगर शक का कोई इलाज नहीं। मेरे शक का इलाज है आपके हाँ या ना में, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप मुझसे कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे। बेटे, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। क्या पूछना चाहती हो, पूछो। पापा, पापा, क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो जो गैर कानूनी बिजनेस या धंधे करते हैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं। I'm so glad, पापा। I'm sorry, मुझे माफ करना। I love you, पापा। किरण मेरी बात तो सुनो। किरण सूरज मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज डोंट अंडरस्टैंड किरण। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर अगर आपने मुझसे मेरा यह हक छीना तो मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती पापा मेरे इस तरह इल्जाम लगाते हुए? Thank you.
आज पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी जिसमें आप लोगों के जुर्म के साथ साथ मेरे डैडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खून भी दर्ज हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खून भी आप ही लोगों ने किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि अगर यह सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, गुस्से और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे। हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव ए ड्रिंक, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं पहनी होती तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो, ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नवक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। जानते हो ये क्या है? ये है व्हाइट गोल्ड। लगा दो हर नौजवान को इसकी आदत। कोई भी स्कूल, क्लब, कॉलेज या मैदान नहीं बचना चाहिए। पहले इसकी डिमांड पैदा होगी, बाद में इसकी सप्लाई। मगर सर, अगर बलराज साहब को इसका पता चल गया तो? कीर्ति, नेवला सांप को मारने से पहले काफी देर तक उसे छेड़ता है, उसे गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा ही सांप की मौत का सबब बनता है। तुम मुझे जान से भी मार डालो तब भी ये ड्रग्स, ये जहर अपने बच्चों को नहीं बेचूंगा। मैंने ये जगह इनके मनोरंजन के लिए बनाई है, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से, ऐसे गए गए इधर। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, मगर तुझे इस जगह के साथ जिंदा जलाकर। जो आग से खेलते हैं वो चलने से नहीं डरते। अरे वो बच्चे, जा और थोड़ा सा दूध पी करा। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है। देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। ये ड्रग्स और ब्राउन शुगर सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। आई श्योर? यस, आई श्योर। शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पनमुक्ते से निकलता है। तुम
तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो मेरे होते हुए मेरे ग्रुप का कोई भी आदमी यह बिजनेस कर सकता है? इस ग्रुप को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। अगर आज मैं इस ग्रुप से बाहर निकल जाऊं तो तुम लोग दो मिनट के अंदर हवालात में होगे। चिल्लाइए मत मिस्टर बलराज खन्ना, और ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर मैं हवालात में गया तो आप भी मेरे साथ हवालात में जाएंगे। इसलिए कि अगर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली या छापा मारा तो उन्हें ये कैसेट वहां जरूर मिलेगा। जानना चाहते हैं इस कैसेट में क्या है? इस कैसेट में आपकी और मेरी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है जो अब सिर्फ फांसी के फंदे से टूट सकता है। सुनेंगे? इंस्पेक्टर वर्मा के पास हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं जिनकी बिना पर कल सुबह कोर्ट खुलते ही वो वारंट ले लेगा। इस मामले में आपने कुछ ज्यादा देर कर दी, लेकिन अभी वक्त है, पर बहुत कम। बोलिए क्या करूं? दुर्जन, तुम जो ठीक समझो करो। बलराज साहब, आप हमारे लीडर हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, हटा दो से हमारे रास्ते से। केले कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? इस घर से मुझे खून की बू आने लगी है। मेरे पास पहेलियां बूझने का वक्त नहीं है। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो, वरना सीधी ऊपर जाओ। मैंने भी आपकी टेप रिकॉर्डेड आवाज सुनी है। मैंने ये क्यों किया, किन हालात में किया, ना तुम जानती हो ना समझ सकती हो। मगर मैं इतना समझ सकती हूँ कि दुनिया में कोई भी हालात ऐसे नहीं हो सकते जो आदमी को आदमी का खून करने पर मजबूर करते। तुम क्या समझोगी कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? अगर मैं ये सब नहीं करता तो हम सब बर्बाद हो गए होते। मैं बदनामी के साथ जेल में होता और तुम फुटपाथ पर, और हम दोनों शायद वहीं ज्यादा खुश रहते। बातें करना आसान है, तुम क्या जानो गुर्बत क्या होती है। मैं भी एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, मगर वो ईमानदारी और मेहनत मुझे इतने पैसे नहीं दिला सके जिससे मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता। वो तुम्हें पैदा करके फुटपाथ पर तड़प तड़प कर मर गई, और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं तुम पर कभी गुर्बत का साया नहीं पड़ने दूंगा। अगर ये सब आपने मेरे लिए किया है तो सुन लीजिए, मुझे इस तरह कमाए हुए पैसों की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। गुड बाय। हेलो, जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मगर ये अच्छी तरह जान लो, बाहर की दुनिया वो नहीं है जो अंदर से दिखती है। गरीबी के थप्पड़ फाके दो दिन में दिमाग ठीक कर देंगे। जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कहां से आएगा? क्या करोगी, भूखी मरोगी? भूखी क्यों मरूंगी, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, ये बदन बेचकर अपना पेट भर लूंगी। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आपकी गैरत, आपका जमीर अब तक जिंदा है। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से अपनी नजरों में आपकी नजरों में गिर जाऊं। किरण, 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 किरण मेरी बात सुनो, किरण, किरण, किरण मेरी बात सुनो, किरण मेरी बात सुनो, किरण, किरण, किरण मेरी बात सुनो। वो आपसे मिलना नहीं चाहती। मगर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर वो आपसे मिलना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? उनसे प्लीज कहिए कि देखिए आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं मैडम को बुलाती हूँ।
प्लीज जाइए। क्या सोच रहे हो करीम खान? कुछ नहीं सोच रहा लाले, और सोचने से होता भी क्या है? होता तो वही है जो
मंजूर खुदा होता है। ठीक कहा तुमने, सोचने से कुछ नहीं होता। मैंने भी क्या क्या सोचा था मगर कुछ नहीं हुआ। आज इतना बड़ा मकान, इस जिंदा लाश पर एक मकबरे की तरह खड़ा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपनी बेटी को वापस ले आओ। पापा मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूं, मगर प्यार के साथ साथ आपकी इज्जत। मैं जानता हूं बेटी, मैंने गलती की, मगर मैं क्या कर सकता हूं। याद है पापा, कुछ साल पहले मेरे हाथ से आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और मैंने डर के मारे आपसे छुपाया था। जब आपको मालूम पड़ा तो आपने कहा बेटी गलती तो किसी से भी हो सकती है, मगर तुमने उसे छुपाया, उस पर पर्दा डाला। इस बात की मुझे तकलीफ हुई। अगर तुम अपनी गलती मान लेती तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। याद आया पापा? हाँ बेटा याद आया और समझ में भी आया। मैंने जो तुमसे कहा था उस पर मुझे अमल करना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं कल सुबह पुलिस और कानून के हवाले अपने आप को कर दूंगा और वो सारे जुर्म जो मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं उनका इकबाल कर लूंगा। मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि मेरी इंक्वायरी में आप लोगों के नाम भी बाहर आएंगे। आप लोगों में से जो मेरे साथ आना चाहें वो आ सकता है और जिनको मेरे साथ नहीं आना है उनके पास भी वक्त है अंडरग्राउंड होने का या इस मुल्क को छोड़ने का। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं उसकी कोई मंजिल नहीं है, ये मैंने देख लिया है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सब लोग इस फैसले में मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बलराज को पुलिस स्टेशन जाने से पहले कैसे रोका जा सकता है? हमें सिर्फ बलराज को ही नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा के बेटे को भी रोकना है और रास्ते से हटाना है, और इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। वो क्या? इन दोनों की जान एक ही चिड़िया में है जिसका नाम है किरण। उसकी जान हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। कीर्ति हरामजादे, एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये इंक्वायरी किसी भी कत्ल की इंक्वायरी नहीं है, ये मेरे बाप की कत्ल की इंक्वायरी है। और आज मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ कि सच्चाई तेरे आंतों से निचोड़ कर निकाल दूंगा। बोल सुअर के बच्चे, इंस्पेक्टर वर्मा का खून किसने किया था? बोल बोल। और उसके बाद बलराज साहब का फोन आया। उन्होंने कहा जल्दी जाओ, दुर्जन को रोको और उसे मना करो। मैंने भागकर दुर्जन साहब को रोका, उन्हें मैसेज भी दिया और कहा फोन पर बुला रहे हैं। दुर्जन साहब ने कहा जाओ और उनसे कह दो मैं अभी अभी निकल गया हूं। बलराज साहब, जब दो आदमी एक साथ बने होते हैं तो उनमें से एक को छलांग लगा के खुदकुशी करने का कोई हक नहीं बनता। आपने कहा था कि आप अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं, हम में से जो भी आपके साथ आना चाहे आ जाए वरना मुल्क छोड़ के चला जाए। मैंने मुल्क छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, या तो मैं आपसे 5 करोड़ का सोना लेकर जाऊंगा
या आपकी बेटी किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। मास्टर चीखिए चिल्लाइए मत, और पता नोट कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शाम को 4:30 बजे ओल्ड प्लासिया के मैदान में पहुंच जाइएगा। तुमने जिसे भी अपना पता दिया है गलत दिया है, क्योंकि तुम्हारा पता है सेंट्रल जेल का फांसी का तख्ता, क्योंकि कीर्ति कल्याण सिंह ने अपना बंद मुंह इस मुक्के से खोल दिया है। Come on, you bastard, वरना तुझे गोली मारने में मुझे बहुत खुशी होगी। रिवॉल्वर फेंक दे, वरना मुझे भी इसे मारने में बहुत खुशी होगी। अगर मेरे इरादे पे जरा भी शक है तो मेरा नाम ध्यान से सुन ले, पुलिस की किसी फाइल या रिकॉर्ड में पड़ा होगा, नाम है राम सिंह गुप्ती। इसके बाप ने और इसने साले ने हमें बहुत मुसीबत में डाला है, पहले इसे खूब मारो, बाद में इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये हरामजादा हमारा सारा प्लान सुन चुका है। साहब, मैं अपना आदमी भेज रहा हूं, उसे माल दे दो। हेलो, पहले हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि माल कैसे दिया जाएगा। दिखा दो इसे इसकी बेटी। पापा! ठीक है बेटे, घबराओ मत, मैं हूं यहां, सब ठीक हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। लाओ सूटकेस इधर ले आओ। रुक क्यों गए, इधर ले आओ। पहले किरण को छोड़, वो जब तक यहां इस गाड़ी तक नहीं पहुंच जाती तुझे सूटकेस नहीं मिलेगा। यहां तुम हुक्म देने नहीं लेने आए हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम तीनों में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा, ये समझ लो। तो फिर तू भी समझ ले दुर्जन, कि अगर हम तीनों गए तो तुम सब भी साथ जाओगे। सर, इसके हाथ में बॉम्ब है। बेवकूफ आदमी, खुदकुशी करने के लिए इंसान का पागल होना बहुत जरूरी है, जो ये नहीं है, ये तो हमें सिर्फ धमकी दे रहा है।
जानता है ना मेरा नाम क्या है? राम सिंह गुप्ती। मौत का दूसरा नाम राम सिंह गुप्ती। सुना नहीं ना कभी ये नाम? हाँ, ये नाम सुना था अपनी माँ की दुखों से भरी कहानी में। और आज मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। किरण, बेटे, बेटे गाड़ी में।
बेटे, लगाओ हथकड़ी और करो अपना फर्ज और मेरा आशीर्वाद पूरा। सर, हथकड़ी तो उन्हें लगाई जाती है जो कानून से भागते हैं। आपने तो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। अरे, तुम रो रही हो? देखो बेटे, मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है, और आज भी सच्चाई के रास्ते पर यह कदम तुम्हारी भलाई के लिए उठा रहा हूं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। चलो हंसो, हंसो, वरना मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। हंसो, 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 हंसो बेटे, हंसो। तुम्हें हंसने को और खुश रहने को कहा है। चलो हंसो, 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 हंसो। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, अच्छा ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू लूली लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू पापी लगती है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू